व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम हैं भिवानी के TVSRS शोरूम में और यहां पर आ चुके हैं सभी BS6 वेरिएंट और आज हम रिव्यू कर रहे हैं अपाचे RTR 160 2V का। Got enough of every melody, they all sound the same, yeah. For my broken heart, no remedy, but maybe it- अगर हम बात करें इस बाइक की तो मेनली इस बाइक से ज़्यादा अभी भी कुछ लोग जो पसंद करते हैं 2V को, क्योंकि अगर हम आगे की तरफ देखें तो आगे की तरफ आपको एक वुल्फ टाइप हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा जो इसकी DRL है। काफ़ी जो मेन शार्प LED जो इसकी DRL है, जो इसका हेडलैम्प है, सेटअप रिमेन सेम, हेलोजन बल्ब आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं इसके साइड सेक्शन की तरफ। तो साइड सेक्शन की तरफ आपको एक काफ़ी जो बड़ा चंकी टैंक देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको ये जो ग्राफिक जो देखने को मिल जाएंगे, इससे ये रहा इसका TVS का लोगो। और टैंक के ऊपर अगेन आपको एक ये प्यारा सा डिकैल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कार्बन फाइबर टेक्सचर्ड पैटर्न कंपनी ने यूज़ किया है, आपको डैशबोर्ड में भी देखने को मिल जाएगा। और नीचे की तरफ जाए तो नीचे की तरफ आपको एक इंजन कवर या इंजन काउल देखने को मिल जाएगा, जिसपे इसके ऊपर रेस ट्यून्ड FI और TVS रेसिंग की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं पीछे की तरफ, तो RTR 160 और इंडियन फ्लैग का आपको यहाँ पर लोगो देखने को मिल जाएगा। पीछे जो टेल लाइट है वो अगेन काफ़ी शार्प जो टेल लाइट है, और टेल लाइट के ऊपर भी आपको ये डिकैल देखने को मिल रहा है। स्प्लिट ग्रैब रेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। राइडर के लिए आपको एक टेक्स्चर्ड पैटर्न सीट देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी मतलब सॉफ्ट भी है, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, मतलब मीडियम है। और पिलियन राइडर के लिए कंपनी ने मतलब थोड़ा सा हार्श पैटर्न है ताकि वो स्लिप ना हो। और सीट के ऊपर आपको ये रेड स्टिचेस देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर अपाचे की ब्रांडिंग और अगेन कार्बन फाइबर जो फिनिश कंपनी ने इसमें दी है लुक्स को इन्हेंसमेंट करने के लिए। अब चलते हैं इसके व्हील्स और ब्रेक की साइज़। तो आगे में पीछे में दोनों में आपको 17 इंचज़ के अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं। अलॉय व्हील के ऊपर आपको TVS रेसिंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और जो रियर व्हील का साइज़ है वो 17 इंचज़ आगे का और पीछे का भी, अगेंस्ट अलॉय व्हील और TVS रेसिंग की जो ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। फ्रंट टायर का साइज़ है 19mm और जो रियर टायर का साइज़ है वो है 110mm। मेरे हिसाब से 110 तो नहीं है, इसका जो टायर साइज है वो 110mm ही है। और जो फ्रंट डिस्क प्लेट का साइज है वो है 270mm। पेटल डिस्क आपको इसमें देखने को मिलेंगे, सिंगल चैनल ABS ऑन बोर्ड है। और इसका जो ABS है, सुपर मोटो ABS की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और जो ये डिस्क प्लेट का डिज़ाइन है वो खाली लुक के लिए नहीं होता, वो हीट डिसिपेशन के लिए होता है ताकि रोटर्स गर्म ना हो, जल्दी जल्दी ठंडी होती रहे। और इसमें आपको ट्विन पिस्टन ब्रेक कैलिपर देखने को मिल जाएगा एट द फ्रंट। और रियर में भी डिस्क ब्रेक का ऑप्शन आता है, तो ये ड्रम वाला वेरिएंट है, तो रियर में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा। और अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन की, तो फ्रंट में आपको एक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा 37mm का, आई गेस 37mm के इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। और रियर में आपको ये एडजस्टेबल नाइट्रोक्स गैस चार्ज डुअल शॉक्स जो देखने को मिल जाएंगे इस तरह के। और ये है इसका सारी गाड़ियाँ फिर अगर लो फुट टेस्ट। और अब बात करते हैं मेनली हमारे हार्ट की, तो इसका हार्ट है 160cc का 2-valve इंजन, रेस ट्यून्ड FI। और इसके जो मैक्सिमम पावर है वो 15 BHP के आसपास है, जो मैक्सिमम टॉर्क है उसका 14 Nm। और अब की बार थोड़ी सी पावर कम हो गई है, लेकिन अगेन पेपर्स भी ऐसा है, लेकिन आपको चलाते टाइम ऐसा फील नहीं होगा। तो इसमें जो टॉप स्पीड है इसकी वो 115 से लेके 120 किलोमीटर पर आवर की, 2-valve इंजन है, एयर कूल्ड है। और ये रहा इसका कैटालिटिक कन्वर्टर, ड्यूअल हॉर्न आते हैं बाइक में। और जो इसकी क्लेमेबल माइलेज है कंपनी की तरफ से वो है 35-40 KMPL इन सिटी। जो माइलेज है वो मेनली डिपेंड होती है राइडर के राइडिंग स्टाइल एंड राइडिंग कंडीशन के ऊपर। इसमें आपको मतलब परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, NS160 और जिक्सर 160 150 ही है वो, कंपैरिजन में तो काफ़ी अच्छी है। और जो इसकी चेन है वो ओपन चेन सिस्टम इसमें दिया गया है, तो टाइम टू टाइम आपको जो है क्लीन करनी पड़ेगी। इसके जो फुटरेस्ट हैंगर हो एल्यूमिनियम के हैं, और जो फुटरेस्ट भी हैं वो भी अगेन एल्यूमिनियम के हैं, जो कि काफ़ी अच्छी हैं। राइडर के जो फुटरेस्ट हैं वो आपको रबर देखने को मिल जाएगा ताकि गियर अच्छे हों। और इसमें 5-speed गियर बॉक्स आता है, तो काफ़ी अच्छी बात है आपको हाईवे पर राइडिंग करने के लिए। जो मीटर के फीचर हैं उसमें आपको एक टैकोमीटर, ABS की लाइट
और फ्यूल की लाइट। और इसमें आपको मेनली थोड़े बहुत ही फीचर मिलते हैं जैसे कि ओडोमीटर, स्पीडोमीटर और फ्यूल गेज टाइम और ट्रिप मीटर जैसे फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इस तरह के जो इसके स्विच गियर्स हैं एंड अगेन इस तरह के जो इसके मिरर्स हैं। फिलहाल दो कलर अवेलेबल हैं, एक तो ये ग्लॉसी ब्लैक एंड एक ये वाइट कलर जो आपको शोरूम में अवेलेबल मिल जाएगा। TVS भिवानी में जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है यहाँ पर वो है 1,03,000। आप अपने सिटी के हिसाब से चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये बाइक लेनी है तो TVS भिवानी में अवेलेबल है। BS6 वेरिएंट की सभी जो स्कूटर्स हैं, मोटरसाइकिल हैं, सभी अवेलेबल हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो TVS Apache RTR 162V BS6 मॉडल की सिंगल चैनल ABS ड्रम ब्रेक वेरिएंट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।